हेलो फ्रेंड, यहाँ पे जो है UPPCL TG2 की जो रिक्वायरमेंट है बहुत ही जल्द आपको मिलेगी देखने के लिए। तो ये वीडियो बनाने का पर्पस जो है आपका सिर्फ मोटिवेशन से है। रीज़न क्या है अभी आपको जो है आगे पता चल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे TG2 की जो रिक्वायरमेंट है आपकी, आपका एक दो दिन में जो है टेंडर कम्प्लीट हो जाएगा PCL का। तो TG2 की रिक्वायरमेंट जो है सबसे पहले आने की उम्मीद है। तो इसमें क्या करना है कि आपको जो है प्रिपरेशन जो है कंटिन्यू, अगर अभी नहीं है तो आप कंटिन्यू कर दीजिए, क्योंकि PCL का जो है लगभग 25 दिन तक जो है लगभग फॉर्म जो है अप्लाई कराया जाता है। उसके बाद जो है तुरंत इसका नोटिफिकेशन आउट होने के बाद एग्ज़ाम उग्ज़ाम भी कंडक्ट होता है। तो मान के चलिए 2 से 2.5 महीने के बीच जो है इसका लगभग सारा जो प्रोसेस है नोटिफिकेशन से लेके एग्ज़ाम के बीच का, तो ये लगभग कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपकी प्रिपरेशन जो है कंटिन्यू नहीं है तो उसे कंटिन्यू करिए, सबसे बेस्ट होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये जो रिक्वायरमेंट है लास्ट रिक्वायरमेंट होगा। बहुत लोगों का ये भी कन्फ्यूज़न होगा कि ये लास्ट रिक्वायरमेंट है, ऐसा नहीं होगा। प्राइवेट होना भी होगा तो आपकी वैकेंसी आती रहेंगी, कॉन्टैक्ट बेस पे अलग सीटें आएंगी। जिस तरीके से अदर फॉर्म में हो रहा है, जैसे पावर ग्रिड में हो रहा है, आपका DMRC में हो रहा है, सेम प्रोसेस PCL के लिए भी होगा। रेगुलर सीटें भी आएंगी TG2 की, लेकिन अगर प्राइवेट किया जाएगा तो कॉन्टैक्ट बेस पे निकाला जाएगा। तो ये उम्मीद ना रखें कि मतलब कि वैकेंसी नहीं आएगी TG2 की, यही अंतिम भर्ती होगी, ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा कि अंतिम भर्ती जो है, मतलब बहुत लोगों के मन में ये भी डाउट है कि सर कहीं ये अंतिम भर्ती ना हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। और रेगुलर बेस पे आपकी रिक्वायरमेंट निकलती रहेंगी, कॉन्टैक्ट बेस पे कर दिया जाएगा। अगर इन फ्यूचर अगर प्राइवेट किया भी जाता है तो उसमें डिफरेंस यही होगा कि रेगुलर में सीटें कम आएंगी, कॉन्टैक्ट बेस पे ज़्यादा आएंगी। तो सैलरी जो है आपको सेम मिलेगी, प्राइवेट होगा भी तो सेम सैलरी मिलेगी, ये भी ध्यान दीजिएगा। बहुत लोगों का ये भी है कि 10-12 हज़ार पे जो है रखा जाएगा, तो ऐसा नहीं है। वो फाइनली जो है ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही टाइम लग जाएगी। तो ये वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि एक दो दिन में आपका टेंडर जो है कंप्लीट हो जाएगा, तो TG2 की रिक्वायरमेंट जो है सबसे पहले मिलेगी देखने के लिए। तो अभी तक आपने प्रिपरेशन जो है कंटिन्यू नहीं किया है या फिर कंटिन्यू किए भी हैं, स्टार्ट नहीं किया, तो ईज़िली आप स्टार्ट ज़रूर करिए, क्योंकि टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा फाइट होगी इसमें। क्योंकि लगभग काफ़ी ज़्यादा जो है स्टूडेंट इसको अप्लाई करेंगे, जितने भी बचे स्टूडेंट हैं, तो बाकी और भी जितने भी जॉब करते हैं अदर डिपार्टमेंट में वो लोग भी अप्लाई करेंगे, तो फाइट काफ़ी ज़्यादा होगी TG2 की। तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाने का यही पर्पस था कि जो है प्रिपरेशन जो है आप अभी से अच्छे से एकदम अपना टाइम जो है मैनेज कर ले, एक टाइम निर्धारित कर ले, और उस टाइम पे जो है आप अपना इनपुट देते रहें। आपको आउटपुट जो है 2-3 महीने बाद खुद ही आइडिया चल जाएगा। तो कम से कम जो है कुछ ना कुछ टाइम देते रहें, अपने अकॉर्डिंग टाइम दे, 3 घंटा 4 घंटा जितना भी आप दे सकते हो तो आप टाइम देते रहो। क्योंकि मान लो सपोज दैट कि फाइट भी ज़्यादा होगी और सिलेक्शन लेना है, तो कंटिन्यूटी अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। तो थोड़ा सा बस ये मोटिवेशन वीडियो था, ताकि आपको थोड़ा सा यहाँ पे मोटिवेशन मिल सके कि हाँ जो है प्रिपरेशन कंटिन्यू कर देना चाहिए। कुछ लोग ये ना सोचे कि टेंडर कंप्लीट हो, नोटिफिकेशन आने के बाद सीटें आएंगी तब हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, तो उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनके लिए टाइम बचेगा ही नहीं। 1.5 से 2 महीना भी जो है सफिशियंट, 1.5 महीना मान के चलो, और जिनका वीक पॉइंट अगर टेक्निकल वीक है तो 1.5 महीना जो है काफ़ी ज़्यादा कम समय हो जाएगा। तो इसीलिए अभी से जो है मेंटेनेंस स्टार्ट कर दो, थोड़ा थोड़ा करके मेंटेनेंस करोगे तो आगे जो है ये काफ़ी बेनिफिट करेगा आपको। तो अभी जो है आप 1 घंटा भी पढ़ सकते हो तो पढ़ो, ज़रूरी नहीं है कि 10 घंटा ही स्टार्ट करना हो। तो आप जितना टाइम दे सकते हो उतना अभी से स्टार्ट कर दो, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो बस ये वीडियो बनाने का पर्पस यही था, थोड़ा सा आपको मोटिवेशन मिले ताकि जो है आप जो है बेटर कर पाए एग्ज़ाम में। तो प्रिपरेशन एकदम कंटिन्यू कर दीजिए, TG2 की रिक्वायरमेंट जो है सबसे पहले मिलेगी देखने के लिए। उसके बाद जो है अदर ऑफिस असिस्टेंस JEE का जो है मिलेगा आपका, JEE का जैसे मैंने बताया कि जुलाई से पहले ही होगा, और AE का जो रिक्वायरमेंट है वो भी आपका अक्टूबर या नवंबर के आसपास जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा ये वीडियो बनाने का पर्पज मेन मोटिवेशन से मतलब था, ताकि आप लोग प्रिपरेशन कंटिन्यू कर दें। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।